लाइफ में सक्सेस किसी को भी वो तब मिलती है जब आपके बहानों से बड़ी हो जाए आपकी सफलता। कहने का मतलब है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सपना तो देखते हैं, फिर जब सपना देखना स्टार्ट करते हैं तो बोलते हैं कि भैया मुझे मैथ समझ में नहीं आता है। इसका मतलब क्या है, वो बहाने की लिस्ट पूरी कर रहे हैं, यानी वो लिस्ट पूरी कर रहे हैं, मेहनत करना नहीं चाह रहे हैं। 1 मई से शाम को 6 बजे जो है वो मैथ का बेसिक चैप्टर स्टार्ट कराऊंगा, और आप देखना आप सभी बोलेंगे भैया एक एक चैप्टर ना पानी की तरह समझ में आ रहा है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना भैया, इस चीज को टाइम देना मेहनत करना नहीं चाहते, इसीलिए हमेशा बोलते हैं कि भैया मुझे मैथ समझ में नहीं आता है। और बिना मेहनत के आपको सफलता मिलना तो बहुत मुश्किल है, इसीलिए मैंने बोला सफलता तभी मिलेगी जब आपके बहानों से बड़ी हो जाएगी। तो ये चीज आपके लाइफ में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए अगर आप तैयारी करते हैं किसी भी एग्जाम का। क्लास को स्टार्ट करूंगा, बोलूंगा चैनल के ऊपर जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को दबा देना, ताकि हर एक क्लास का अपडेट आप सभी को मिलता रहे। और टेलीग्राम से आप सभी जरूर जुड़िएगा, क्योंकि वहां पर एक एक पीडीएफ एक एक नोटिफिकेशन वीडियो का वहां पर शेयर कर दिया जाता है, ताकि आपको कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन इंस्टेंट आपके फोन पर मिल जाए। टेलीग्राम का लिंक आपको चैनल के नीचे मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आपके अगर आपके फोन में टेलीग्राम है तो सर्च मारिएगा सक्सेस की 98, वहां पर 42,000 के लगभग स्टूडेंट है, आप वहां पर जुड़ सकते हैं। और आज कवर करेंगे हम सभी 29 अप्रैल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ। तो देखते हैं पहला प्रश्न जो है वो हमारे सामने क्या निकल कर? और पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर को आधिकारिक रूप से यूनेस्को विश्व पुस्तक कैपिटल 2020 के रूप में टैग दिया गया है? किस शहर को टैग दिया गया है यूनेस्को विश्व पुस्तक कैपिटल 2020 का? तो यह टैग दिया गया है आपका कुआलालंपुर को, ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, कौन सा संस्थान है जो COVID-19 पैंडेमिक यानी महामारी को देखते हुए प्लाज्मा अनुसंधान करने वाला देश का पहला अधिकृत अध्ययन केंद्र बन गया है? अब इस क्वेश्चन को पहले आप समझना, बहुत दिन से सुन रहे होंगे प्लाज्मा थेरेपी जो COVID-19 के मरीज को ठीक कर रहा है, ये है क्या? तो अगर मैं सरल भाषा में कम टाइम में आपको समझाऊं तो यह क्या है, मान लो आप सभी को COVID-19 के, मान लो कोई भी मरीज है जो COVID-19 से संक्रमित है, ठीक है ना, अब उसको ठीक कर दिया गया, ठीक है, तो ठीक करने के बाद उसका जो ब्लड है यानी वो दवाई जो भी नॉर्मल दवाई है उससे वो ठीक हो गया, तो उसका ब्लड जो है अभी जो संक्रमित है उसके अंडर डाला जाएगा तो वो भी ठीक हो जाएगा, तो इसी को बोलते हैं आपका प्लाज्मा थेरेपी। और इसका पूरा टेस्ट, अब ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसका पूरा अध्ययन कौन कर रहा है, तो यह किया जा रहा है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च के द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका क्या, ऑप्शन नंबर आपका सी। आई थिंक क्वेश्चन आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये वाला। अगला प्रश्न हमारे सामने है, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री, अच्छा ये मंत्रालय किसके पास है, तो आप सभी को पता है रमेश पोखरियाल के पास ये मंत्रालय है। तो HRD मिनिस्टर द्वारा छात्रों के लिए ई लर्निंग सामग्री के विकास और योगदान के लिए कौन सा राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया है? और ये शुरू किया गया है आपका, क्या नाम है उसका, विद्यादान 2.0, ऑप्शन नंबर आपका सी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, खुफिया इतिहास पर उत्कृष्ट पुस्तक के लिए प्रस्तुत विलियम ई कॉल्बी पुरस्कार किसने जीता है, यह आपको बताना है। और यह पुरस्कार जीता गया है आपका एडम हिंगीबॉटम के द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका डी। इनके किस पुस्तक को दिया गया है अवार्ड, तो मिडनाइट इन क्रैनोबाइल, ऑप्शन ये वाला। इस पुस्तक का नाम भी आप सभी याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में ऑथर का नाम भी पूछा जा रहा है और उस पुस्तक का नाम भी आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, एग्जाम में ये भी पूछ देगा आप सभी से। एडम हिंगबॉटम जिनको पुरस्कार दिया गया आप सभी का खुफिया इतिहास पर उत्कृष्ट पुस्तक के लिए, उस पुस्तक का नाम तो आप क्या बोलेंगे, ये वाला। अगला प्रश्न हमारे सामने है, कौन सी कंपनी देश के बैंकिंग क्षेत्रों को बदलने में मदद करने के लिए इजराइल का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंक लॉन्च करेगा, पहला डिजिटल बैंक लॉन्च किया जाएगा इजराइल का, इसमें कौन मदद कर रहा है,
तो इसमें मदद कर रहा है आपका TCS के द्वारा जो है वो हेल्प किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर आपका डी। और आज का पहला प्रश्न यहीं से निकल कर आ रहा है, आप सभी को कमेंट कर ये बताना है कि इसराइल के प्राइम वहां के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति का नाम क्या है, वहां का मुद्रा करेंसी क्या है और वहां का कैपिटल राजधानी क्या है। यह तीन चीज आपको कमेंट कर बताना है इसराइल के बारे में। और आगे क्लास स्टार्ट करने से पहले बोलूंगा, आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद जो है सक्सेस की 98, उसके बाद आप अपने फोन के ऊपर किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट दे सकते हैं, रेलवे का, बैंक का या फिर SSC का। और वहां से अगर 349 वाला पैकेज बाय करते हैं तो 1 साल तक के लिए यानी 1 साल के वैलिडिटी के साथ आप आने वाले हर एग्जाम का 20 से 25 सेट आपको दिया जाएगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ताकि आप अपने आप को जज कर पाओ। तो देखते हैं अगला प्रश्न हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। और जो अगला प्रश्न हमारे सामने है वह यह है, उस देश का नाम बताना है जो इस क्षेत्र में पैंडेमिक से लड़ने के लिए रणनीति पर चर्चा करने के लिए COVID-19 पर SAARC अभ्यासी सम्मेलन की मेजबानी करेगा। और यह मीटिंग हो चुका है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन 8 दिसंबर। इसका फुल फॉर्म क्या है SAARC का, तो ये आप सभी याद रखिएगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका जो सम्मेलन होने वाला है वो भी ऑनलाइन, इसमें टोटल 8 देश आते हैं जिसमें भारत भी है। इसका हेड कौन है, इस बार इसको होस्ट कौन कर रहा है, तो इसको होस्ट कर रहा है पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर आपका बी। और SAARC का गठन कब हुआ था, 8 दिसंबर 1985 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। याद रखिएगा जो SAARC का गठन हुआ था वो हुआ था आपका 8 दिसंबर 1985 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। अब एक बात आप सभी और याद रखिएगा कि SAARC का हेड क्वार्टर कहां पर है, तो SAARC का हेड क्वार्टर है आपका काठमांडू नेपाल में, ठीक है ना। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस देश ने निर्यात पर सुधार लाने के लिए उद्देश्य से औषधि उपयोग के लिए, इसका नाम जरूर याद रखना क्या है आपका, मरीजुआना की खेती को वैध बनाया है, किस देश ने और लीगल बना दिया है इसकी खेती को, आप फोटो में देख भी पा रहे होंगे, इसी को बोलते हैं आपका मैरिजुआना, इसी पत्ते को, ठीक है। और इसकी खेती को जो है वैध बना दिया गया है लेबनान के द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका डी। और लेबनान का कैपिटल करेंसी लेबनियस पाउंड और वहां के राष्ट्रपति का नाम क्या है, माइकल आउन, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, रेड बुल रेसर, जो रेड बुल के रेसर हैं जिनका नाम क्या है, एलेक्स एल्बोन, ठीक है, एलेक्स एल्बोन को हरा कर निम्नलिखित में से किसने चीनी वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स जीता है, तो उनका नाम है आपका चार्ल्स लैकलर्क, ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, उस बैंक का नाम बताना है जिसने ACI 2020 में सर्वश्रेष्ठ बड़े कार्यस्थलों में 5वां स्थान पाया है। 5वां स्थान का नाम तो मैं बताऊंगा, उस सूची में रैंक 5 किसको दिया गया है, लेकिन आपको एक चीज और याद रखना है कि शीर्ष पर कौन है, शीर्ष पर आपका भूषण बैंक है, ये याद रखिएगा, शीर्ष पर कौन है, भूषण बैंक है। और 5वें पर कौन है, उज्जवल स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन नंबर आपका सी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, अली राजा फिरोजा को हराने के बाद बैटर, यहां पर बोला है बैंटर, बैंटर बिल्ड्स कप का फाइनल किसने जीता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा भैया ये किस गेम से जुड़ा हुआ है आपका बैंटर ब्लिट्स कप, तो ये जुड़ा हुआ है आपका शतरंज यानी चेस से, ठीक है। और अली राजा फिरोजा को हराकर मैंगस कार्लसन, इन्होंने ये खिताब जो है, ये प्रतियोगिता जो है वो आपका जीता है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर कब का, 29 अप्रैल का। और इसका पूरा PDF आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसी वीडियो का, या फिर टेलीग्राम से जुड़े हुए तो वहां पर शेयर कर दिया गया है, वहां से आप सभी डायरेक्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं। और 1 मई को शाम को 6 बजे आपका क्लास है, और एक बात, रात को 11:30 बजे भी क्लास आपका चलेगा आज करेंट अफेयर का, ठीक है, जो रिवीजन क्लास जैसे आपका चलता है। सो मेरे जितने भी भाई बहन है सभी को गुड इवनिंग, अपना ख्याल रखना और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा का भी, ठीक है ना। चलिए।